नमस्कार, मैं प्रताप सभी का स्वागत करता हूं हमारे शो में जिसका नाम है सॉल्यूशन। दर्शकों, इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है, जहां देखो वहीं पर शादियों की धूम है। और हिंदू धर्म में शादी को धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है। शादी में जितने दूल्हा दुल्हन इम्पोर्टेंट होते हैं, उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं शादी के रीति रिवाज। और रीति रिवाज न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्व रखते हैं, बल्कि इनका आध्यात्मिक महत्व भी होता है। तो आज हम बात करेंगे शादी के रीति रिवाजों की, उनके महत्व की, हमारे इस खास प्रोग्राम सॉल्यूशन में। दर्शकों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है द वेरी फेमस निर्मला सेवानी जी, जो कि करेंगे आप सभी की समस्याओं का समाधान। निर्मला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो दर्शकों, अगर आपकी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। निर्मला जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शादी जो होती है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि शादी में मुहूर्त पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। उनका ये कहना होता है कि जब शादी कर लें तभी चंगा रहता है। तो क्या मुहूर्त पर ध्यान देना चाहिए, मुहूर्त के हिसाब से ही शादी करनी चाहिए? देखिए, किसी भी ज्ञान की प्रतिस्थापना के पीछे एकमात्र एक उद्देश्य होता है कि आप उसका इस्तेमाल करके अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप वेदों को मानते हैं, आप विवाह को मानते हैं, तो आपको मुहूर्त शास्त्र मानना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो यात्रा और मुंडन और बाकी संस्कार भी मुहूर्त के हिसाब से ही किए जाते हैं। मुहूर्त का मतलब होता है कि वो प्लैनेटरी एस्ट्रोलॉजिकली कि वो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन आपके और जो आपका जीवन साथी है उसके हक में जा रहा है, उसके माँ बाप के हक में भी। तो ये जो इतना बड़ा गृहस्थ आश्रम, बड़ा आश्रम है और बहुत बड़ा धार्मिक कृत्य है, उसको फिर मुहूर्त शास्त्र के हिसाब से चले तो ज़्यादा बेहतर होगा जी। निर्मला जी, आगे बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अलवर से नरेश जी हैं। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं, उनकी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल पूछिए। मैडम नमस्कार। नमस्कार। 14 जुलाई 1964। सवाल पूछिए सर। मुझे जी बेटी की शादी करनी है, तो 2017 में हो जाएगी बेटी की शादी? हाँ, बिल्कुल हो जाएगी। नवंबर 2017 में उसकी शादी हो जाएगी और शायद सगाई तो 4 महीने में ही हो जाए। और उसका जीवन सुखमय है और उसका जो दूल्हा है वो ठीक काम पे सेटल होगा। उससे 1.5-2 बरस बड़े होंगे और आर या वी इनिशियल के होंगे। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मोहित हैं महाराष्ट्र से। मोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं, उनकी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल पूछिए। 11 दिसंबर 1991 जी, अपना सवाल पूछिए मोहित जी। मेरा सवाल दीदी के लिए, दीदी की डेट ऑफ बर्थ है। हाँ, अपना सवाल पूछिए अपनी दीदी के बारे में मोहित जी। उनको पुखराज पहनाने की जरूरत है, 7.5 कैरेट इंडेक्स फिंगर में पुखराज पहनाएंगे तो उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और वो जल्दी जल्दी डिसीजन भी नहीं लेंगे, जो कि कई बारी गलत ले लेती हैं। बैलेंस होके काम करेंगे जी। निर्मला जी, मोहित जी ने तो गुस्से की बात की, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा शादी के जो सवाल थे उन्हें आगे बढ़ाते हुए, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि निर्मला जी, शादी से पहले तिलक किया जाता है, तिलक की रस्म अदायगी की जाती है, तो तिलक करना कितना इम्पोर्टेंट होता है? बिकॉज आजकल मॉडर्नाइज ज़माना हो गया है, बहुत से लोग तिलक की फॉर्मेलिटी में नहीं पड़ते हैं। उनका मानना होता है कि सीधे रिंग सेरेमनी हो जाए और शादी कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो तिलक सेरेमनी करना कितना ठीक रहता है? तिलक और सगाई एक सी बात है जी। देखिए, तिलक को दो तरीके से मैं समझाऊंगी जी। कि तिलक की रस्म या सगाई इसलिए होती है कि सगाई से शादी तक थोड़ा वक्त मिल जाए तैयारी करने का, पहली बात। तो दूसरी बात, शादी दो परिवारों में, दो व्यक्तियों में होती है, तो एक दूसरे को समझे और उसके अकॉर्डिंग मर्जरर हो, दोनों फैमिलीज का भी और दोनों बच्चों का भी, इसलिए सगाई की रस्म होती थी। और दूसरे, तिलक हमारे परंपरा में हर शुभ कार्य के पहले किया जाता है, क्योंकि सारे ज्ञान तंतु जो हैं आपके आज्ञा चक्र पे केंद्रीभूत होते हैं। तो उसका अर्थ होता है मेडिटेशन की दुनिया में कि आप फोकस हो जाएंगे उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए जो आपका ड्रीम है, जो आपकी एम्बिशन है। तो इसका मतलब ये है कि आप अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, उसके लिए आप फोकस भी हो जाइए, ये सगाई की रस्म का मतलब होता था। तो जरूरी थी तभी तो वो रस्म ईजाद हुई और अभी भी करते ही हैं, पर उसके बीच में 3-4 महीने का गैप होना हो तो ज़्यादा ही ठीक रहता है जी। क्योंकि आप एक दूसरे की रुचि, अभिरुचि, व्यक्तित्व,
और सराउंडिंग समझ सकते हैं। जी निर्मला जी, आगे बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, गायत्री जी हैं उदयपुर से, जो कि अपने पुत्र प्रिंस के लिए जानना चाहती हैं। गायत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने पुत्र के जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल पूछिए। जी मैम, 26 सितंबर 1995। सवाल पूछिए जी। इसके जॉब के बारे में पूछना चाहती हूँ मैम। उसको तो मॉडलिंग का बहुत शौक है। मॉडलिंग में बहुत काम है, अब तो नहीं होगा लेकिन मुझे लगता है एक दो असाइनमेंट तो करेगा, मतलब छोटे छोटे तो करेगा, और 24 बरस में उसका करियर सेटल होगा और 31 बरस में उसकी शादी। जी निर्मल जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, संजय जी हैं अलवर से। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं उनकी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल पूछिए। 4/4/1997। जी सवाल पूछिए अपना संजय जी। नौकरी के बारे में पूछना, लगेगी नहीं लगेगी? नहीं, नौकरी तो जरूर से लगेगी, पर गवर्नमेंट नौकरी मुश्किल लगेगी, थोड़ा टाइम है अभी उसमें और मेहनत भी करनी चाहिए, तो नौकरी तो तुम करोगे। अच्छी, तो दर्शकों अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, पवन है महाराष्ट्र से। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं उनकी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल पूछिए। 22 अगस्त 1963। और मेरा ये सवाल है जी, कि हमारा मकान नहीं है, मकान कब बनेगा? जब आप 56 बरस पूरे करेंगे, अभी आप 53 के हैं, तो 2.5 साल बाद। जी निर्मला जी, आपसे जानना चाहता हूँ, हमने सगाई की रस्म की बात की, तो सगाई की रस्म से अगर हम आगे बढ़े तो शादी के कुछ दिन पहले हल्दी की रस्म की जाती है, तो हल्दी की रस्म जो होती है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है, वो आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, हमारे हिंदू मैथोलॉजी में हल्दी को शुभ और सौभाग्यवर्धक माना जाता है। उसके अलावा हल्दी में साइंटिफिक रीज़न ये है कि वो एंटीबायोटिक का काम करती है, तो हल्दी उपटन से आपका शरीर के कीटाणु मर जाए, आप स्वस्थ सुंदर होकर एक दूसरे का वरण करें ना, स्त्री पुरुष और पुरुष प्रकृति का, इसलिए हल्दी की रस्म होती है। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, ओम प्रकाश जी हैं अलवर से। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं उनकी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल पूछे। 12/12/1998। एक बार दोबारा से ओम प्रकाश जी, अपनी जन्म की तारीख रिपीट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। 12/12/1998। जी अपना सवाल पूछिए ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, अपना सवाल पूछिए। निर्मला जी, अपनी नौकरी के लिए जानना चाहते हैं, उनकी नौकरी नहीं लग रही, 26-27 बरस में लग जाएगी। जी निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा, हल्दी की रस्म जब होती है तो हल्दी की रस्म के दौरान एक सूत्र बांधा जाता है, एक डोरा बांधा जाता है, तो उस डोरे का क्या इम्पोर्टेंस होता है, वो आपसे जानना चाहता हूं। उसको रक्षा सूत्र कहा जाता है, हल्दी में डिप किया हुआ और सौभाग्यदायी। तो रक्षा किससे? 5 तरीके के अशुद्धियां या विसंगतियां या नेगेटिविटी इन्वायरमेंट में होती हैं ना, जो कि देवदोष, पितृदोष, भूत प्रेत, पिशाच, नजर और तंत्र दोष है ना, तो इनसे वर की और वधु की रक्षा रहे, उसको रक्षा सूत्र कहते हैं ना। बच्चे तो मानते नहीं है, घरों से बाहर निकल जाते हैं फिर भी तो जो कुछ भी अशुद्धियाँ इन्वायरमेंट में प्रकृति प्रदत्त हैं उनसे उसका बचाव हो, और दुष्ट नज़रों से भी उसका बचाव हो, वो उसके मायने होते हैं। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, चित्रा जी हैं अलवर से ही। चित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जिसके बारे में भी जानना चाहती हैं उनकी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम, मैं अपने बहन के लड़के के लिए पूछना चाहती हूँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3/8/1989। ठीक है, तो उसकी गवर्नमेंट सर्विस लगेगी या नहीं लगेगी? लग पाएगी 29 साल में लगेगी, डेफिनेट लगेगी, और अच्छे स्तर की गवर्नमेंट जॉब लगेगी, काफी फोकस्ड है वो, मेहनत। तो दर्शकों अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो अभी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। निर्मला जी, अभी के लिए महाराष्ट्र से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, पवन जी, जो कि अपनी पुत्री खुशबू के लिए जानना चाहते हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। खुशबू की जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल पूछिए। 11 दिसंबर। जी पवन जी, 11 दिसंबर 1991। ठीक है सर, सवाल जी, सवाल ये है कि उसकी बैंक में नौकरी कब लगेगी? एमकॉम किया हुए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हैं कुछ, तो अगले बरस लग जाएगी, अगले या अगले से अगले
फर्स्ट हाफ में, मतलब मार्च 2018 के पहले लग गए। जी निर्मला जी, आपने उस रक्षा सूत्र की चर्चा की थी अभी इन दर्शक से पहले, तो आपसे जानना चाहूंगा कि जो रक्षा सूत्र जब बांधा जाता है तो उसके बाद अक्सर देखा जाता है कि और कहा भी जाता है कि लड़के और लड़की दोनों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन आजकल का जो मॉडर्नाइज युग है इसमें ये चीजें मानी नहीं जाती है, सुनते नहीं है, तो निकलना चाहिए घर से बाहर या फिर नहीं निकलना चाहिए? नजर दोष भी बना रहता है, बना रहता है पर सुनते नहीं, इसीलिए वो रक्षा सूत्र बांधा जाता है। तो अगर जो निकल भी जाए तो कोई परवाह नहीं है, प्रभु देवता उस पर कृपा करेंगे, माँ हल्दी जो उसकी रक्षा करेंगी, है ना, राई सरसों, तो ऐसी मान्यता है कि यो डोरा उसकी रक्षा करेगा, तो निकल जाए और तो क्या। जी निर्मला जी, अभी के लिए दौसा से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, आशा जी हैं, जो कि अपने पुत्र आशीष के लिए जानना चाहती हैं। आशा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आशीष की जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल पूछिए। 21 सितंबर 1988। जी सवाल पूछिए अपना आशा जी। गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछ रही थी। 81। हाँ जी, कि सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। निर्मला जी अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, संजय जी हैं दोबारा अलवर से। संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं उनकी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल पूछिए। सर 4/4/1995 मैं कंपटीशन तैयारी कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब लगेगी? हाँ जी लग जाएगी, लग जाएगी 2.5 बरस बाद। जी निर्मल जी, शादी पर हम चर्चा कर रहे हैं तो आपसे जानना चाहूंगा कि शादी की बहुत सी ऐसी रस्में होती हैं जो कि आजकल अवॉइड कर दी जाती हैं, लोग उन रस्मों का पालन ही नहीं करते हैं, तो शादी की हर एक रस्म कितनी इम्पोर्टेंट है सभी के लिए करना, क्योंकि शास्त्रों तक में निहित है बट फिर भी लोग उन्हें अवॉइड कर देते हैं, समय की कमी के चलते, कभी कभी तो पैसों के अभाव के चलते, तो कितना इम्पोर्टेंट है शादी की सभी रस्में अदा करना? देखो रस्में अदा करने में पैसे तो नहीं लगते, आप सादा कर सकते हैं, नौटंकी मत करिए, और टाइम की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान के नौजवानों के पास, वो तो बेकार करने की आदत है, वो उस टाइम को कंज्यूम करते हैं डिस्को और थिएटर, वो गाने गुने और पार्टियाँ, तो ऐसा नहीं है। और जब आप अपनी संस्कृति को समझेंगे तो उसके पीछे उसके 3-3 अर्थ होते थे, आध्यात्मिक भी, धार्मिक भी और सामाजिक सरोकार भी, इसीलिए वो इतनी समृद्ध और वैज्ञानिक भी। तो अगर इन कारणों के पीछे लॉजिकली जाएंगे तो हमारी संस्कृति बहुत ऊँची है, और सारी रस्में सब करते हैं लेकिन उसमें नौटंकी घुसा दी है, तो उसकी बलिक छटनी होनी चाहिए और तरीके से वो सब संपन्न करनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगी, ताकि आप अपने देश की संस्कृति को वापस जी सकें, और सुंदर है, बहुत सुंदर है वो सब। मतलब जी निर्मला जी, अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हरियाणा भिवाड़ी से ओम प्रकाश जी हैं, जो कि अपने पुत्र वरुण के लिए जानना चाहते हैं। ओम प्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। वरुण की जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल पूछिए। 21/7/1989। ठीक है, सवाल पूछिए ओम प्रकाश जी। शादी के बारे में जानना है सर। हो जाएगी कुछ ही महीनों में, आने वाले 10 महीनों में हो जाएगी सर। जी निर्मल जी आपसे जानना चाहता हूँ कि जब हल्दी की रस्म की जाती है तो कौन सा मंत्र है जो कि पढ़ना काफी इम्पोर्टेंट होता है और जो पढ़ा जाता है? स्त्रियों के लिए पढ़ा जाता है, और जब कन्यादान करते वक्त भी हल्दी दोनों हाथ लड़की के और लड़के के पर तब भी पढ़ते हैं। वो मंत्र है कि लक्ष्मी प्रिया हर्षदात्री, लक्ष्मी रिव जनप्रिया, सौभाग्यम दायनी, सदा स्त्रीणा, श्री हरिदे सदा अस्तु में। मतलब जो लक्ष्मी की प्रिया हर्ष के देने वाली हैं, सौभाग्य देने वाली हैं, वो हम स्त्रियों के सौभाग्य के लिए श्री मंगल कामना करते हैं, वो उनमें हमेशा बस जाए, ये उस मंत्र के अर्थ पे है। जी निर्मला जी, अभी के लिए बीकानेर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राजू जी हैं। राजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपनी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल पूछिए। 1972। राजू जी अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है सर, मेरा आर्थिक स्थिति बहुत डाउनडोल है और मेरा सही काम सेट नहीं हो रहा है, कोई कोई सरकारी नौकरी के बारे में भी कुछ। सरकारी नौकरी तो कम मुश्किल है लेकिन काम मुझे लगता है कि अप्रैल के बाद थोड़ा बहुत ठीक होगा, अभी तो क्या करें, देश ही मुश्किल में है। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अरविंद जी हैं बिलाई छत्तीसगढ़ से। अरविंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं उनकी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए अपना अरविंद जी।
उसकी शादी में क्या प्लान है, कब तक हो जाएगी? क्या कह रहे हैं आप? शादी के लिए जानना चाहते हैं अपनी पुत्री की, कि इनकी शादी कब तक हो जाएगी? उसकी नाम बताएं और डेट ऑफ बर्थ। अरविंद जी, अपनी पुत्री का एक बार दोबारा से जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल पूछिए। 21 जनवरी 1986 32वें बरस में, अगले वर्ष हो जाएगी। अभी चल ही रहा है उसका पीरियड शादी का, तो हो जानी चाहिए, 10-11 महीने में हो जाएगी। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आपका हिम्मत जाएगा, जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम सॉल्यूशन में।